तुझसे दूर हुआ, उड़ गया उड़ गया। वेलकम टू द ऑटम बेंच। मेरा नाम है पार्थ चक्रवर्ती और इस वीडियो क्लास में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी वोकल पिच को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये जो गाना मैंने गाया है वो मर्डर टू का गाना है, ऐ खुदा। एंड मर्डर टू का गाना है एंड काफी हाई पिच पे इसे गाया गया है। इतनी हाई पिच की अगर आप ध्यान से सुने तो जो इसके रियल वोकलिस्ट है उसको भी गाने में दिक्कत आई है। एंड काफी अच्छा सॉन्ग है। सो ये अगर एक स्टैंडर्ड हारमोनियम के हिसाब से देखे तो ये अति तार सप्तक में आ जाता है। तार अति तार सप्तक के ये फर्स्ट ब्लैक में आ जाता है एंड काफी अच्छी खासी पिचिंग है। सो अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आप अपनी पिच कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हाई पिच ऐसी चीज नहीं है जो आप मेहनत करोगे तो आपको कंफर्म मिली जाएगी। ठीक है, ये दुख की बात है। सो मींस प्रैक्टिस करके, टेक्निक्स यूज करके आप एक लेवल तक बढ़ा सकते हो अपने पिच को, लेकिन कई बार ये जेनेटिकली भी डिपेंडेंट होता है क्योंकि आपकी गले की मांसपेशियां वो कितनी मजबूत है, किस तरह की बनी हुई है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि एक बार मैं एक शो पे गया था एंड वहाँ पे एक सूफी वोकलिस्ट थे, वो काफी एज थे एंड काफी हाई पिच पे गा रहे थे। एंड मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे गा लेते हो इतना हाई पिच पे कि हारमोनियम के बटन्स तक खत्म हो जाए, लिटरली ऐसा ही था। सो उन्होंने कहा कि यार रीजन का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब ऊपर वाले की देन होती है एंड कई लोगों को मिलती है, कई लोगों को नहीं मिलती। हमें मिली हुई थी, हमने उसे तराशा और बढ़ाया, ऐसा है। तो एक हद तक आप बढ़ा सकते हो लेकिन उस हद के आके जाना वो किस्मत की बात होती है। ठीक है, सो अगर आपकी पिच लो है एंड कुछ ज्यादा ही लो है, सो उसको आप डिसेंट वे तक लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो उस पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। सो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो सबसे पहली बात जो मैंने अभी जो आपके सामने गाना लिया उसमें मैंने क्या चीज फील की कि जो प्रेशर है वो मेरे गले पे, गले से ज्यादा मेरे सीने पे पड़ता है ज्यादा। ठीक है, जब मैं हाई पिच पे गाता हूं, ठीक है, सो आपके गले के साथ साथ आपके लंग्स में भी वो पावर होना चाहिए। ठीक है, सो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रनिंग करिए। नियमित तौर पे आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस करिए, इससे आपका शरीर मजबूत होगा और आपके लंग्स भी मजबूत होंगे। सो ये ज्यादा पावरफुल वे में जो हवा को वो बाहर भेज सकते हैं, ठीक है, जिससे हाई पिच में आसानी मिलती है। दूसरा है सांस को रोकने की भी आप प्रैक्टिस करिए हाई पिच पे। ठीक है, सो सांस को आप उससे रोकने से क्या फायदा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो वोकलिस्ट होता है हाई पिच पे रुक जाता है, काफी देर तक हाई पिच पे रुका हुआ रहता है। सो वो कैसे होता है, वो तो सांस रोकने की कैपेसिटी से ही होता है। ठीक है, सो ये चीज भी काफी उस पर डिपेंडेंट है। सो सांस को रोकने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जितने देर तक आप रोक सके फिर उसका आधा छोड़ दीजिए। हर रोज कम से कम 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद फिर हाई पिच पे ये चीज थोड़ी सी मजाकिया है बट आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सीरियस चीज है, इस चीज से भी काम करिए। जितना ऊंचे से ऊंचे पिच पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लो पिच है और ये हाई पिच है। ठीक है, और इसका क्या यूज है, ये करने पर भी आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज है।
इससे आप देखोगे कि आपके गले पे और आपके सीने पे काफी ज्यादा जोर पड़ रहा है, ठीक है, एंड यही उसका काम है, तो इसे भी रेगुलरली आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा सा कॉमिकल भीम है बट काफी यूजफुल है, सो इसको भी आप कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा है और इसको हाई पिच पे भी आप करने की प्रैक्टिस करिए जितना ऊंचा हो सके, ये भी काफी यूजफुल है। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो चीज है कि अकेले में कहीं जाके, क्योंकि आप मोहल्ले में ये चीज करोगे तो आपको डांटी पड़ेगी या पड़ोसियों का सुनना पड़ेगा, ठीक है, तो अकेले में जाके कहीं पे एंड आप चिल्लाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चिल्लाने से क्या हुआ कि हाई पिच में आपके गले में भी जोर आएगा, बट क्या है, चिल्लाना आप रेगुलरली मत कीजिए, हर दो दिन के डिस्टेंस के बाद आप ये चीज प्रैक्टिस में लाइए, एंड क्योंकि अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपके गले पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा है, एंड इस तरह से मत चिल्लाइए कि आपका गला फटने लग जाए, नहीं, ठीक है, वो ये चीज होती ना जो एक ग्राउंड जैसी, वो चीज ना करिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, ये एक अच्छी चीज है जो टेक्निकली थोड़ी सीरियस लगती है मेरे बेतुके टेक्निक के को छोड़ के, ठीक है, तो ये चीज है, सरे रामा पानाई सा, हाई पिच पे पहुंचे, अब ही बोल के आप आगे बढ़िए, ही हाई पिच पे ही बोलना काफी मुश्किल होता है, सो ही का उच्चारण करके आप हाई पिच पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उस नोट को तब तक आप खींचिए जब तक कि आपकी जो सांस है वो आपको अलाउ करती है, ही, फिर हो गया, फिर और आगे बढ़िए, ही, और उस नोट को तब तक आप बार बार प्रैक्टिस करिए जब तक आपको उस पे कंफर्ट नहीं आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते चाहिए। तो ये कुछ छोटे मोटे टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने वोकल पिच को बढ़ा सकते हैं, एंड आई होप, आई एम श्योर काफी अच्छा इफेक्ट आएगा आपके गले में, एंड ऑल द बेस्ट।